Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ratna Singh. इस वीडियो लेक्चर में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म करने वाले हैं, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सेकेंड मैथड है. फर्स्ट मैथड हमने किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एशलॉन फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म को हम इजीली तभी समझ सकते हैं जब हमने एशलॉन फॉर्म समझा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म मेन बेसिक हम क्या करते हैं, एशलॉन फॉर्म से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर उसमें कुछ कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं, जिससे मैट्रिक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म में. तो नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए आप पहले मेरा, यदि आपने एशलॉन फॉर्म वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको नॉर्मल फॉर्म मैथड ईजिली समझ में आ सके. रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म. रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म में मेन पार्ट क्या है कि ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है. तो फोर फॉर्म्स आई आर 0 0 0, IR 0 और IR 0. इन फोर फॉर्म्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, नॉर्मल फॉर्म. इन नॉर्मल फॉर्म्स में हमने जो नोटेशन लिया है IR, ये IR क्या डिनोट करता है, IR डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, IR से. इसमें R जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है. ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस वो क्या डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. जैसे मैंने मैट्रिक्स ले लिया ABCDEF. अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब हम आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या है, 0, तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3. इसको हम इन शॉर्ट किस में लिखते हैं, 3 से. तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. वैसे यदि हमने ले लिया I2 क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 है मतलब इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे, 2 रोज और 2 कॉलम्स. तो I2 को हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1. सिमिलरली यदि हम I4 डिनोट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. इस मैट्रिक्स में 4 रोज होंगे और 4 कॉलम्स. तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब इन फोर फॉर्म्स में मैंने IR तो एक्सप्लेन कर दिया. अब 0 जो होता है वो क्या होता है, 0 क्या डिनोट करता है, 0 मैट्रिक्स को. 0 मैट्रिक्स मतलब कि जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0. जितने भी रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0. अब मेन हम आ जाए इन फोर फॉर्म्स में. तो फर्स्ट फॉर्म हमने क्या लिया हुआ है, IR. IR क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. R जो भी ऑर्डर होगा, तो यदि हम R यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो IR का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 1 0 0 1. ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्म है IR 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है और उसके साथ कुछ 0 मैट्रिक्स भी हैं, मतलब कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज और कॉलम्स क्या होंगे, 0. तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या हो गया, पहले हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया सेकेंड ऑर्डर का, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज और कॉलम्स क्या हो गए, 0.
तो ये हमारे हो गए जीरो मैट्रिक्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है आई आर जीरो, तो आई आर अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू और उसके साथ कुछ जीरो मैट्रिक्स होंगे। और फोर्थ फॉर्म है आई आर जीरो, तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्योंकि हमने आर टू मेंशन किया है और उसके साथ ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, कितने भी रोज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये फोर फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो और कॉलम्स ऑपरेशंस आप अप्लाई करोगे और कॉलम और रो ऑपरेशंस अप्लाई करके हमारा एम क्या होगा, एलिमेंट्स को वन और ज़ीरो में कन्वर्ट करना। वन और ज़ीरो में कन्वर्ट करने के बाद हमको उसमें मैट्रिक्स जो है इन फोर फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इन फोर फॉर्म्स में हमको जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वो ऑर्डर क्या शो करेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, टू। रैंक को हम ग्रीक लेटर रो से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिक कौन सा मेथड यूज करते हैं, एशलॉन फॉर्म। एशलॉन फॉर्म में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम मैट्रिक्स में जो अबव के एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या करेंगे, ज़ीरो। तो मेन हमारा एम क्या होगा, एलिमेंट्स को वन और ज़ीरो में कन्वर्ट करना। इसमें हमको एशलॉन फॉर्म मेथड बहुत हेल्प करेगी। तो आप पहले तो मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर कॉलम ऑपरेशंस, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम उसमें सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम उसका रैंक इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप एक मेन पॉइंट ध्यान रखिए कि यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ इतना लिखा है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तब आप बेस्ट है कि एशलॉन फॉर्म अप्लाई कर लो। जब क्वेश्चन आता है कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, तभी आप नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स एडिशनल हो जाते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो सिर्फ रैंक फाइंड करने आते हैं तो आप एशलॉन फॉर्म अप्लाई कर लो, पर यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि सॉल्व बाय नॉर्मल फॉर्म, तब आपको ये मेथड ही अप्लाई करना होगा। अब इस मेथड को हम इजीली एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके पहले यदि आपने हमारे लेक्चर्स को लाइक नहीं किया है तो आप लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1, 1, 2, 1, 2, 3, 0, -1, -1 बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। अब इस गिवन मैट्रिक्स का हमको रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करने के लिए हम गिवन मैट्रिक्स ले लेंगे 1, 1, 2, 1, 2, 3, 0, -1, -1। अब इस मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जैसे हम एशलॉन फॉर्म में करते थे। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्ट रो यूज़ करेंगे और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम चेक करते हैं कि वो यूनिट एलिमेंट है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो यूनिट एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो का यूज करके हमको अदर रोज के फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, ज़ीरो। तो यहाँ थर्ड रो का एलिमेंट ऑलरेडी ज़ीरो है, हमको सेकेंड रो का एलिमेंट ज़ीरो करना है। तो सेकेंड रो का एलिमेंट ज़ीरो करने के लिए आप देखो कि ये कोफिशेंट फर्स्ट रो के इक्वल है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देने से ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो सेकेंड रो के लिए ऑपरेशन हो गया आर टू रिप्लेस बाय आर टू माइनस आर वन। अब ये हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें गिवन मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया। सेकेंड रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वन ज़ीरो,
टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, और लास्ट रो हम उसको एज इट इज लिखते हैं। अब फर्स्ट रो यूज करने के बाद हमने बाकी रोज के फर्स्ट एलिमेंट जीरो कर लिए। सेम प्रोसीजर हम सेकेंड रो के साथ करते हैं। अब सेकेंड रो का यूज करके हम बाकी रोज के क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट जीरो करते हैं। तो यहाँ इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए आप चेक करो, ये दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपल, और साइन क्या है, अपोजिट, तो सिंपल ऐड कर देने से ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ऑपरेशन हो जाएगा आर थ्री रिप्लेस बाय आर थ्री प्लस आर टू। अब ये ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या आएगा, फर्स्ट टू रो में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया वन वन टू, और सेकेंड रो हो गया जीरो वन वन। थर्ड रो में हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे आर थ्री प्लस आर टू, मतलब ये दोनों रो को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो। अब आप देखो यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल के बिलो का हमारा एवरी एलिमेंट क्या है, जीरो। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया रो ऑपरेशन अप्लाई करके, सिमिलरली हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके डायगोनल के अबव के ये एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो। तो यहाँ हम फर्स्ट कॉलम का यूज करके बाकी कॉलम्स के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो जब C2 के इस एलिमेंट को जीरो करना है तो आप देखो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देने से ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और C3 के एलिमेंट को जीरो करना है तो C1 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, टू से। ये ऑपरेशन हमको वैसे ही लगाना है जैसे हमने ये रो में अप्लाई किया। तो C2 कॉलम के लिए ऑपरेशन क्या हो गया, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, और C3 कॉलम के लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, C3 माइनस ट्वाइस C1। जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देने से वो क्या हो जाएगा, जीरो। कॉलम में अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप देखो हम फर्स्ट कॉलम का यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी ये दोनों एलिमेंट क्या है, जीरो। तो जब हम इन कॉलम्स में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट जीरो है, इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, तो उससे कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपके ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम हमने एज इट इज लिखा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया है। सेकंड कॉलम में हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इस फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स हम वैसे ही लिख देंगे। वैसे ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये दोनों एलिमेंट क्या है, जीरो। सिमिलरली थर्ड कॉलम में जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को जीरो लिख दिया, बाकी टू एलिमेंट्स मैंने क्या किए, एज इट इज नोट कर दिए। तो इस कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करके आप देखो कि सेकेंड और थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो। अब जैसे हमने फर्स्ट कॉलम यूज करके बाकी कॉलम्स के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो किया, सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम यूज करके बाकी कॉलम्स के सेकेंड एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो जाएगा, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आया, सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं आया, थर्ड कॉलम में जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट जीरो है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो। तो जीरो जीरो जीरो। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स में हमारे सारे एलिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए, वन और जीरो में।
अब वन और जीरो में कन्वर्ट हो गए, तो आप देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? टू, क्योंकि यहाँ पर टू रोज है और टू कॉलम्स हैं। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा जीरोज हैं रोज और कॉलम में, तो ये हमारे हो गए जीरो मैट्रिक्स। तो हमारा ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में आई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? टू। मैंने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्म में जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही उसका क्या होता है? रैंक। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए उसका रैंक क्या हुआ? टू। तो इस तरीके से आप इस मेथड को अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और उसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपने रैंक तो यहाँ पर भी फाइंड कर लिया था एशलॉन फॉर्म से, ये आपके एडिशनल स्टेप्स हो गए थे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन में यदि सिर्फ रैंक फाइंड करने आता है तो आप उसको एशलॉन फॉर्म से कंप्लीट कर लीजिए, और यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि सॉल्व बाय नॉर्मल फॉर्म, तब आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करिए। और इस प्रोसीजर में आपको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, और कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉर्मल फॉर्म में। और इस तरीके से आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।